सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टर्स लाइफस्टाइल। आपका सिस्टर्स लाइफस्टाइल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है मेरी स्केचिंग की एक वीडियो जिसके अंदर मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक आई ड्रॉ करके, और आपको बता भी दूंगी कि एक आई कैसे इजीली ड्रॉ कर सकते हो आप। तो इस वीडियो को बिना देरी करते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, आप भी बहुत एक्साइटेड हो गए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। थारा तो नहीं है, इतना सा आपको सामान चाहिए होगा। तो और ये बहुत ही इजी होती है ड्रॉ करना। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ सामान क्या क्या है। एक पेंसिल, एक ब्लैंडिंग स्टैम्प, और हाँ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपके घर पे ब्लैंडिंग स्टंप नहीं है तो आप क्या करें। और एक रबर आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तो हो गया। हाँ, अगर आपके पास ब्लैंडिंग स्टंप नहीं है तो आप सिंपल ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, बर्ड्स का। और फ़िलहाल तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, और अगर आपके पास बर्ड्स भी नहीं है तो फिर आप कॉटन तो घर पे होगी। अच्छा, चलो कॉटन भी नहीं है तो आपके पास कोई टिश्यू पेपर तो होगा, आप टिश्यू पेपर से भी ब्लेंडिंग कर सकते हो। अब इन सब चीज़ों से आप ब्लेंडिंग कर सकते हो। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ब्लेंडिंग के ऊपर, तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं होने वाला ये। हाँ, और मैं आपको टू आईज बना के दिखाऊंगी, एक इसकी मदद से बर्ड्स की और एक ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से। ये टू पॉइंट की है। और अब शुरू करते हैं। आपको थोड़ा कैमरा अच्छे से अगर आपको हिलता डुलता दिख रहा है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आज के कैमरामैन मैं ही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले आप लीड बाहर निकाल लीजिए। तो ओके, निकल गई है। ओके, सब आपको एक अच्छे से कुछ इस प्रकार से ऐसा कुछ बना लेना है। तो मैंने ये बना लिया है। अब हम सेकंड स्टेप है, आपको इसके आई बॉल बनानी है, और आपको जो आई है उसको पूरे को टच नहीं करना है आई बॉल से। ऐसा करके फुली टच नहीं करना है ये गैप। अगर ये फुली टच होगा, जैसे कि कुछ इस तरीके से, तो फिर ये जो आई बॉल है वो बड़ी दिखेगी और शैडो बनेगी, तो वो एकदम रियलिस्टिक नहीं लुक देगा। तो मैं आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ। तो और फिर आपको ये स्टेप समझ में आ गया कि ये इसे कुछ ना कुछ गैप रखनी है। और फिर आपको एक ऊपर एक छोटी सी हल्की लाइन बनानी है कुछ इस तरीके से, जो एक 3D लुक देगा। और नीचे से भी बनानी है वैसे। तो मैंने बना लिया ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, पहले हम बना लेते हैं इसकी आईब्रोज, आई शेड। अब सबकी अलग अलग होती है आईज, तो मैंने एक नॉर्मल आई बनाई है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आईब्रो है उसको आपको अच्छे से, और जो स्केचिंग होती है उसमें आपको अच्छे से ध्यान लगाना होता है और पेशेंस का काम होता है। तब आपको एक एक बाल सेपरेटली बनाने हैं। तो अब मैं इसको करने के बाद मिलती हूँ। सो मैंने ये बना लिया है। अब आपको मैंने अच्छे से नहीं बनाया है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स के आई बना के दिखा रही हूँ।
अब आपको इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लेंडिंग स्टेम के साथ आई बनाना, और फिर अब आपको बनानी है आईब्रोज। आईब्रोज को आप कुछ इस तरीके से रखिए। जब मैं भी बिगनर थी तो मैं आईब्रोज कुछ जैसे ये आई है, तो मैं आईब्रोज कुछ इस तरीके से बनाती थी, लेकिन ये है गलत। हमको आईब्रोज को 3D लुक देना है, तो इसलिए आप ऐसे कीजिए और बैंड कीजिए। ये देखिए इस तरफ से लग रहा है ना बैंड किए मैंने, वैसे ही आप अब पूरा कर लीजिए। और आपको हर जगह एक जैसी ही साइज़ नहीं रखनी, क्योंकि आईब्रोज की अलग अलग साइज़ होती है। अब एक अच्छी बात कि आपको जैसे कि आपने ऐसे बनाया, अब आप इसके साथ में कुछ इस तरीके से बनाइए, क्योंकि आईब्रोज कई कई ऐसे मिक्स हुई हुई होती हैं। तो ये आपने कर लिया, अब नीचे वाला भी कर लीजिए आप ऐसे ही। और फिर आगे वाली है कुछ इस तरीके से। अब हम बात करते हैं जो आया है उसका अंदर का जो शेडो होती है, या फिर कोई जो फोटो क्लिक करता है जो लाइक पड़ती है उसका अपन लुक देते हैं। तो अब आप कुछ भी लुक दे सकते हैं, जैसे कि मैं ये दे देती हूँ। अब आप बाकी के पूरे जो भी है इसमें आप शेड कर दो। तो मैं इसको शेड करने के बाद मिलती हूँ। और हाँ, मैं इसे ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड नहीं करूँगी, आपके साथ करूँगी। ओके ओके, सो ये कुछ ऐसा तैयार हो चुका है। मैंने इसे जल्दी जल्दी में किया था, लेकिन आप जल्दी में प्लीज़ ना करें। और फिर अब आपको इसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। और हाँ, आप आधा जो पार्ट है उसे आप डार्क हैंड से अच्छे से दबा के करें, और जो बाकी का बचा है उसे आप लाइट हैंड से करें। सो कैसा लग रहा है ये? हो गया ये। अब आप ऊपर का कुछ इस तरीके से बना दीजिए। तो अब ये बन चुका है एक रियलिस्टिक आई। तो अब मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ बर्ड्स जो है उसके, मतलब अब मैं आपको बता देती हूँ जो बर्ड है उसकी मदद से कैसे बनाया। मैं आपको पूरा सीधा बनने के बाद दिखाती हूँ। सो मैंने इस आई को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और 30 सेकंड में बनाया है। आप भी ऐसे स्केच के साथ चैलेंजेस कर सकते हो जैसे मैं रोज करती हूँ। तो अब आप देख लीजिए बर्ड्स के साथ भी अच्छी शेडिंग हो सकती है। लेकिन आपसे अगर पॉसिबल हो तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प लेके आइए, नहीं तो आप इससे भी काम कर सकते हो। और फिर मैंने ऊपर भी बनाया था, उस पर भी हम कर देते हैं शेड। सो फ्रेंड्स, ये था बर्ड्स का ड्राइंग। तो ये भी हुई सक्सेसफुल। सो ऐसे ही मैं आपके साथ स्केच की वीडियोस लेकर आऊँगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो इसके लिए मैं आपके लिए बहुत सॉरी कहती हूँ आपको। तो मिलते हैं आपको किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, आपको एक आई ड्रॉ करने के लिए इतना सारा सामान चाहिए होगा, ये इतना